और बरबधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। उठ जा मेरी जाने मन। मेरे पास बता ना, गोली मार दूंगा तारे को। हाथ छोड़। मैंने कहा हाथ छोड़। तेरी तो छोड़ मारे। हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। तारी जान मारी जीवन से ज्यादा कीमती है। और मेरा वादा मेरी जान से ज्यादा कीमती है फातू। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे कहां मर गया सबके सब, मारो इसे। फालतू जाओ यहाँ से। पाट साहब हमारी ओर देखो। पाट साहब फालतू जाओ यहाँ से। पाट साहब तेरी तो भाई साहब, अभी भाई साहब पुलिस आगे भागो। अरे से तो मैं पाट नहीं सकता। चल फालतू जाओ यहाँ से। पाट साहब फालतू तुम भागो। पाट साहब आगे बोलो। फालतू जाओ। What's up?
हमारी आंखों को क्या हो रहा है? कहीं फिर से? तेरी रेटिना में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तू अचानक अंधी भी हो सकती है। कितना समय मेरे पास डॉक्टर से? 3 महीने। मार्ट साहब, मैंने कुछ दिल क्यों ना रहा? मार्ट साहब ते गाओ, मार्ट साहब। अब शांत हो जाइए, ऐसा भी तबीयत खराब हो जाएगी प्लीज। अगर मेरी तबीयत की फिक्र होती ना किसी को इस घर में, तो एंगेजमेंट से लेके आज तक जो भी ड्रामा हुआ है वो नहीं हुआ होता। मुझे बस मेरी तनु की फिक्र है। तुम्हें नहीं लगता कि हम भी परेशान हैं? अयान वापस जरूर आएगा, वो भी वक्त से पहले। मुहूर्त अब तक बीता नहीं है। बीतना चाहिए भी नहीं जनार्दन, क्योंकि अगर मुहूर्त बीत गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा प्लीज शांत रहिए, मैंने आपसे कहा ना मुझे अयान पर पूरा भरोसा है, वो मुहूर्त से पहले आ जाएगा। और आप सब लोग परेशान होकर आपस में ही लड़ रहे हैं। अच्छा, तो कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रही है अयान पर। मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं अयान तेरा भरोसा तोड़ ना दे। मॉम आप ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। बाबा आप तो अयान को जानते हैं ना, अयान अपने वादे का कितना पक्का है, आप फिर भी परेशान हो रहे हैं। आप सब लोग देखना, आज ना सब कुछ अच्छा होगा, अयान फालतू को भी बचाएगा और मुझसे शादी करने भी आएगी। कनिका तनु सही कह रही है, सब ठीक हो जाएगा। मैं हर्ष को कहती हूँ कि पुलिस को कॉल करे और अयान को वापस घर बुलाए। हाँ कनिका आंटी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ कुछ। हाँ जी सर, सर इस तरफ। आप लोग उस तरफ देखो। अयान सर आप इधर देखो। अयान सर तो इधर है, पर फालतू किधर है? नमस्ते जी। नमस्ते, कैसे आप लोग? बस सब बढ़िया। भाई एक बात बोलूं, माना कि आज हमारी सविता भाभी दुल्हन से कुछ कम खूबसूरत नहीं लग रही है, लेकिन भाई इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग जो है हमारी भाभी जी को घेर के ही खड़े हो जाएं, हमारे लिए ही ना छोड़ें। हम भाभी जी से सिर्फ ये पूछ रहे थे कि कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अयान जी सगाई वाले दिन जैसे गायब है। क्या कर रहे हैं आप लोग? भाई मित्तल के घर आए हैं शादी में, हमारे घर के खाने को एंजॉय नहीं करेंगे आप? चलिए चलिए, खाना लग गया है, खुशबू भी आ रही है, चलिए आइए। हर्ष, इट लुक्स बिट ऑड, एक्चुअली आप लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स जैसे हैं, और ऐसे में हम लोग जाकर खाना खा ले, अभी तक शादी शुरू भी नहीं हुई है ना, अच्छा नहीं लगता। भाभी जी मैं आपकी फीलिंग्स अच्छी तरह से समझता हूँ, और हम लोग अपनी भावनाओं की, आपकी जज्बातों की बहुत कदर करते हैं, लेकिन देखिए एक बात तो आप लोग भी समझेंगे, अरे शादी ब्याह का घर है, थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है, इट्स नॉर्मल। बिल्कुल है? जब तक आप लोग खाना खा के फ्री होंगे ना, अयान आ चुका होगा, उसके तुरंत बाद हम लोग फेरे शुरू करते हैं। हाँ ठीक है जी। देखिए देर बहुत हो चुकी है, फेरे तक तो हम रुक नहीं पाएंगे, एक और वेडिंग अटेंड करनी है। मैं जनार्दन भाई साहब को बधाई देके निकलना चाहता हूँ। अरे गुप्ता जी इतनी जल्दी चले जाएंगे आप? जी निकलना पड़ेगा, अयान और तनिषा को हमारी तरफ से सॉरी कह दीजिएगा। है नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। अभी हर्ष, अभी आप हर्ष, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आयो अब तक क्यों नहीं आया, पुलिस ने क्या कहा? तुम्हें पता है कनिका गुस्से से पागल हो रही है, वो कुछ भी करेगी, तनिषा भी तो इंतजार कर रही है। भाभी मेहमान है, चल आप
देखिए इतना परेशान क्यों हो रही है? हमारा आयु आता ही होगा, मैं फोन लगाता हूँ उसे। क्या हुआ? तो मचाओ तुम आ गई, आपकी थोड़ी तबीयत बिगड़ रही है, इन्हें रूम में लेके जाओ। भाभी आप रूम में जाइए, रेस्ट कीजिए, डॉक्टर का फोन। हेलो कमिश्नर साहब, हर्षवर्धन मित्तल बोल रहा हूँ। सर जी सर, बाकी तो सब ठीक है, बस सारे घर वाले, एक्चुअली शादी का घर है, सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं आयान को लेके, अभी तक आया नहीं है। तो सर आपसे बस इतना ही पूछना था कि आपके ऑफिसर्स अभी तक मंदिर पहुँचे कि नहीं? जी सर, थैंक यू सो मच। आराम से, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। लेकिन इन्हें तो घर ले चलने का ऑर्डर था ना। बट सर ऐसी हालत में घर ले जाना ठीक नहीं होगा, मेरे हिसाब से अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैं आता हूँ पीछे से। आप लेते रहिए, हम आपको हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हॉस्पिटल? जी हाँ, आपको काफी चोट लगी है। फालतू कहाँ है? फालतू किधर है? इजी आयन, जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं था, आप अकेले ही थे। फालतू मेरे साथ थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फालतू? फालतू को ढूंढना है मुझे, फालतू खतरे में। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। आप बात को समझा कीजिए आयन, वहां पर कोई नहीं था। वो पप्पी उसे भगा के ले गया होगा, फालतू किसान खतरे में। मैं उसे बचाने आया था, मैं उसे बचा के ही जाऊंगा। फालतू वापस दो, छोड़ो मुझे। आप फिक्र मत करो, कहा ना हमने पप्पी और उसके मिले भाग नहीं पाएंगे, हमने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है, वो भाग नहीं सकता। मुझे घर नहीं जाना, गाड़ी रोको। आप समझा कीजिए। नहीं वो फालतू पप्पी फालतू की जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो कुछ नहीं करेगा, वो पकड़ा जाएगा यान। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे वापस लेकर चलो। कहां मर गया ये सब, कहां था यान के बारे में अपडेट देते रहना, कभी भी पुलिस पहुंच जाएगी वहां। नो वेज, कहीं इस पप्पी को पुलिस ने तो नहीं उठा लिया? ये मुंबई पुलिस है, पकड़ लेगी ना तो पिछवाड़ा तोड़ देगी, और कोई पकड़ा गया तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। ये क्यों बार बार फोन कर रहा है? हाँ भाई बोल। कहाँ मर गए थे तुम लोग? आयान कहाँ है? पुलिस कभी भी पहुंच जाएगी वहां पे। पहुंचने वाली नहीं है, मारे कैकटस के पौधे पहुंच गई है। अरे उसी से तो भाग रहे हैं। अरे भाई आयान ने और फालतू ने मारा सारा खेल बिगाड़ दिया। तूने सब बिगाड़ दिया सब। सुन तू कुछ दिनों के लिए ना गायब हो जा, पुलिस के हाथ मत लग जाना। तूने मित्तल से पंगा ले लिया है, बहुत भारी पड़ेगा तुझे। आयान उठ गया ना कर, तू मार डालेगा तुझे। तू कहीं भाग जा, तू गायब हो जा पप्पी। हाँ हाँ चल चल, मारेगा मत सिक्का। आ गए चल। कितनी बार मेरा खेल बिगाड़ेगा तू आयान, कितनी बार? भाई साहब अभी अभी इंस्पेक्टर का फोन आया है, वो लोग हमारे आयान को लेकर आ रहे हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है। देखा मॉम, मैंने कहा था ना आयान वापस आएगा। आप सब लोग बेकार में ही परेशान हो रहे थे। कब तक पहुंचेंगे वो यहाँ? बस भाई साहब आते ही होंगे। सविता भाभी अब आप प्लीज टेंशन लेना बंद कीजिए, बेकार में बीपी लो करके बैठ जाते हैं आप। चाचू आयान भाई तो आ रहे हैं, पर फालतू तो ठीक है ना? वो भी भाई के साथ आ रही है क्या? क्यों? वो फालतू क्यों आएगी इस घर में?
आयान ने उसे बचा लिया ना, अब वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। आंटी गुंडों का मामला है इसलिए पूछ रहा हूँ बस, भाई जिस मकसद से गया वो पूरा हुआ कि नहीं? चाचू पुलिस ने कुछ बताया क्या फालतू के बारे में? नहीं सर, पुलिस ने तो फोन पे सिर्फ इतना बोला कि वो लोग आयान को लेके घर आ रहे हैं। अगर आयान अकेले आ रहा है तो फालतू कहाँ रह गई? नहीं, आयान उसे अकेले नहीं छोड़ सकता वहाँ, और वो ही मायने रखता है। बस आयान ने जो वादा किया था उस लड़की के बाबा के साथ, उसने वो वादा निभाया। अब ये फालतू चैप्टर बंद। अरे ऐसे कैसे बंद? फालतू कहाँ है, वो ठीक है या नहीं, ये जाने बिना सब कुछ कैसे खत्म हो सकता है जनार्दन? भैया आयु बेटा, आयु बेटा कैसे हो तुम? थैंक गॉड तुम सही सलामत वक्त पे घर पे आए बच्चा। तू ठीक है आयान? फालतू कहाँ है, वो कैसी है? बोलना क्या हुआ वहां पर? दादी फालतू और मैं मंदिर में साथ थे और मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर अचानक उस पप्पी ने मेरे सर पे वार किया। उसके बाद सर पे मारा? किंचु जाके फर्स्ट एड लेके आ, जल्दी। जी मैं अभी लेके आया। जा जल्दी ला। यहाँ तो भी ज़्यादा चूट तो नहीं आई, तुम ठीक हो ना? मुझे इस वक्त सिर्फ फालतू की फिक्र हो रही है। इंस्पेक्टर साहब फालतू कहाँ है? आई एम सॉरी माँ जी, फालतू हमें वहाँ नहीं मिली। जब हम मंदिर में पहुँचे तो आयान सर बेहोश पड़े दर्द से करा रहे थे और वहाँ पर ना ही पप्पी के गुंडे थे और ना ही फालतू मिली। मुझे पता है जरूर वो पप्पी फालतू को उठा के ले गया होगा, पर आप लोग उसे ढूंढने की बजाय मुझे यहाँ उठा कर ले आए। धनी फालतू किस हाल में होगी, कैसी होगी वो? आयान बैठो, तुम बैठो, बैठो संभल के। सर हमने हर तरफ नाकाबंदी करवा दी है, पप्पी पकड़ा जाएगा। मुझे भी पूरा यकीन है, प्लीज आप लोग अपना काम कीजिए भाई, फालतू मिल जाएगी, आप लोग जाइए प्लीज। आयान अब ये सब छोड़ो और अपनी शादी पर फोकस करो। देखो मुहूर्त का वक्त बीतता जा रहा है और आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाके तैयारियां शुरू करो, जाओ। जी भाई साहब। पाट साहब फालतू जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।